दिवस तो हर साल मनाओ, मगर अपने लड़कन हा कॉन्वेंट में काय पढ़ाओ। ऐसी माटीना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो हमारे बीच एक सफेदी के शौकीन, एक ऐसे कवि जो योग के माध्यम से तो देश विदेश में उनका डंका बजी रहा है। काफ़ी कुछ इनकी योग की क्रियाएं ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सात समंदर पार दुनिया के विभिन्न देशों में ये अपनी योग की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से बुंदेली कुछ शानदार रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। हम इस उद्देश्य से उनको आमंत्रित करते हैं पंडित जमुना प्रसाद मिश्रा जी को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत अच्छी बुंदेली में लिखने वाले कवि हैं पंडित जमुना प्रसाद मिश्र जी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सबसे पहले, क्योंकि हम आप सब लोग खजुराहो में हैं, तो खजुराहो के लिए दो शब्द, और इसके बाद हिंदी दिवस के संबंध में खजुराहो की कलाकृति में, खजुराहो की कलाकृति में मन का दर्पण छुपा हुआ है। खजुराहो की कलाकृति में मन का दर्पण छुपा हुआ है, जीवन के हर पहलू का हर त्याग समर्पण छुपा हुआ है। जीवन के हर पहलू का हर त्याग समर्पण छुपा हुआ है, खजुराहो की कलाकृति में मन का दर्पण छुपा हुआ है। जैसा जिसका भाव, जैसा जिसका भाव वही दिखता जो लक्षण छुपा हुआ है। आपके अंदर जो है, जैसे आपके लक्षण हैं, आप वही चीज देखेंगे खजुराहो। जिसका जैसा भाव वही दिखता जो लक्षण छुपा हुआ है, वो दिव्य दृष्टि बिन शिव नहीं दिखता। दिव्य दृष्टि बिन शिव नहीं दिखता, यहाँ जो कण कण छुपा हुआ है। खजुराहो कि यदि कण कण में देखा जाए तो देवताओं का निवास है और शिव का निवास है, ना ही मात्र मंदिर में। कुछ छोटा सा एक व्यंग है और वो भी अपनी बुंदेलखंडी में। स्वागत। जे हिंदी दिवस तो हर साल मनाऊ, जे ओ बे हिंदी दिवस तो हर साल मनाऊ, मगर अपने लड़कन हा कॉन्वेंट में काय पढ़ाऊ। बढ़िया, सही बात है, सही। हिंदी दिवस तो जी हर साल मनाऊ, गा बजा के खूब ढोल बजाऊ, मगर अपने लड़का नहा कॉन्वेंट में काय पढ़ाऊ। आज जो हमारी समझ में नहीं आऊ। कैबे के लाने हिंदी राष्ट्रभाषा कहाऊ, कैबे के लाने हिंदी राष्ट्रभाषा कहाऊ। आप लोगों की कछु समझ में आऊ कि नहीं आऊ? कैबे के लाने हिंदी राष्ट्रभाषा कहाऊ। दवाई के पर्चा में हिंदी को एक अक्षर लो नहीं आउट। बहुत सही, बहुत सही, सही जगह, बहुत सही। भाई मरीज हाँ जो अधिकार तो है अपनो जानवे को के हमारे लाने लिखो का है, मगर दवाई के पर्चा में हिंदी को एक अक्षर लो नहीं आउट, और ऑप्शन की तो बात ही का है। मंच पे हिंदी को खूब ढोल बजाऊ, पे अपने लड़कन हा अंग्रेजी में पढ़ाऊ। हिंदी बोलवे में जिन्हें शरम आऊ,
हिंदी बोलवे में जिन्हें शर्म आउत और अंग्रेजी बोल के वे शान दिखाऊ। हमें भी चार पांच भाषाएं आउत, मगर फिर भी हम बुंदेली में योगा कराऊ। हमारी बुंदेली भाषा में ऐसे दोगला कहाउ अपने लड़का ना कॉन्वेंट में कह पढ़ाऊ। हिंदी दिवस तो हर साल मनाऊ और हिंदी को सबरे ढोल बजाऊ पे अपने लड़का ना कॉन्वेंट में कह पढ़ाऊ। बहुत बढ़िया।